एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है, देख रहे हो। भैया को निकालने देते हैं पहले, उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ निकालने का। निकलेगी नहीं निकलेगी, क्या लगता है? देख रहे हो, चेक करो। बस यार, वाटर क्रॉसिंग नॉर्मल होती है, बस रोडे नहीं होने चाहिए। अगर रोडे होंगे फिर सीन ख़राब हो जाता है। तो फाइनली यार, जो मतलब इतना ख़राब रास्ता था वो क्रॉस किया। सारे खड़े हो गए देख रहे थे वहाँ पे, इसलिए कहते हैं पंजाबी होगा कि नहीं चलते। मेरे साथ ये पंजाबी थे, उन्होंने बोला रास्ता बना के जाएंगे। हमने ना पत्थर वगैरह डाले, मैंने हेल्प की और हमने बाइक निकाल ली। सबसे पहले हमने बाइक निकाली, उसके बाद फिर बारी बारी से सारे निकालने लगे। फिर तो उसके बाद गाड़ियाँ भी निकल गई, हम रुके थे रेस्ट कर रहे थे। तो ये होता है, मतलब आप अगर मेहनत करोगे कुछ भी हो जाएगा। मज़े से निकल सकते थे अगर आप मतलब पत्थर वगैरह डाल देते तो। कोई नहीं डाल रहा था, हमने भी मतलब अपने जितने डाले जितने थे हमारी बाइक निकल सकती थी। मुझे मेरी वाली का डर था क्योंकि इनके पास दोनों के पास बुलेट है, तो मेरी अपाची के पता निकले ना निकले, लेकिन निकल गई। ये भी हार मानने वालों में से नहीं है। ये भी आगे आ गई एक और वाटर क्रॉसिंग, देख रहे हो, चेक करो। बस यार, वाटर क्रॉसिंग नॉर्मल होती है, बस रोडे नहीं होने चाहिए। अगर रोडे होंगे फिर सीन ख़राब हो जाता है। ऐसा आ गए, अब ये टायर के आगे, ओ तेरी, बहुत गहरा था यार यहाँ पे टायर का। मैं बोल रहा था टायर का अगर पत्थर आ जाएगा फिर बैलेंस ख़राब हो जाता है, फिर बड़ा मुश्किल होता है। शूज़ तो वैसे भी गीले हैं, मैंने ऊपर किए हैं, लेकिन फिर भी पानी लग ही रहा है शूज़ को। आए हाय, कहते ये भी क्रॉस। अभी आगे पता नहीं और कितनी है, बोल रहे थे वर्दी सारी हैं आगे। जैसे चलते जाएंगे वैसे पता चलेगा कितनी है कितनी नहीं। ये एडवेंचर चेक करो यार, फुल पावर। ओ तेरी, चलो 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 चलो, शाश शाश शाश। आगे एक और वाटर क्रॉसिंग आ गई है, देख रहे हो। भैया को निकालने देते हैं पहले, उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ निकालने का। निकलेगी नहीं निकलेगी, क्या लगता है? निकल गई यार, हार मानने वालों में से नहीं है, कहीं से भी निकल जाती है मज़े से। हाय हाय, शूज़ हो गए गीले। तो फ्रेंड्स, अभी मैं निकला, इस जगह का नाम है दुर्बुक से पैंगोंग लेक है, 32 किलोमीटर 36 है। लेकिन रास्ता बड़ा ख़राब है। पीछे भाई को बोला जो पैंगोंग से वापस आए, उनको पूछा कि यहाँ से पैंगोंग के लिए रास्ता, बोल रहे हैं 2-2.5 घंटे लगेंगे जाने में और 1.5 घंटा आने में, क्योंकि आने में मतलब नीचे ढलाई है तो आसानी से आ जाएगा नीचे, लेकिन जाते वक्त चढ़ाई है तो जाते वक्त मुश्किल होगी। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। आप बोल रहे हैं फुल ऑफ रोड है, रास्ता बड़ा गंदा है, क्या सीन होगा, देखते हैं। लेकिन जाना तो है ही, और पैंगोंग के लिए वापस पैंगोंग के लिए वापस इधर आना पड़ेगा दुर्बुक में, दुर्बुक से फिर जा सकते हैं आप ले। आगे लगता है सीन होगा कुछ गाड़ी वाले का और बाइक वाले का, क्या सीन है? कुछ सीन होगा, लेकिन मेरे पहुंचते तक साल हो गया पूरा यार। इधर गाड़ी वाले ना ये देखते नहीं है बाइक वालों को। बाइक वालों को नाली में जाने देंगे, खुद साइड नहीं करेंगे, ये प्रॉब्लम है इधर गाड़ी वालों की। रोड चेक करो यार, पूरा फुल ऑफ रोड है दुर्बुक से पैंगोंग तक, और आगे लगता है एक वाटर क्रॉसिंग भी है। मेरे पीछे गाड़ी भी है एक, इसको निकलने देता हूँ यहाँ से। देख रहे हो गाड़ी वाले को,
मेरे बाइक ना फंस जाए यार, ये डर है मुझे। निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, शाबाश निकल गई यार। डर लग रहा था फंस जाएगी।